और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। काफी लंबे समय से जिस फिल्म का इंतजार दर्शक कर रहे थे वो आखिरकार आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्म रेस 3 के बारे में। आपको बता दें कि रेस 3 करीब पूरे भारत में 4,500 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया और फिल्म को रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट से यह खबर आ रही है कि सलमान खान की रेस 3 ने पहले दिन के बॉक्स ऑफिस पर करीब 45 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। हालांकि अभी तक कलेक्शन का फुल डिटेल सामने नहीं आ पाया है, लेकिन आपको बता दें कि सलमान खान का दमदार डायलॉग दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ इस फिल्म को भारत के बाहर भी काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। फिल्म में सलमान खान के साथ अनिल कपूर, बॉबी देओल, डेजिशा, जैकलिन फंडानी जैसे मजे हुए कलाकार फिल्म में नजर आ रहे हैं। ईद के मौके पर सलमान खान की रेस 3 ने सभी भारतवासियों को ईदी दिया है और इस ईद के मौके पर सभी फैंस ने इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि रेस 3 का दूसरा दिन भी कारोबार काफी ज्यादा दमदार होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक रेस 3 की टिकट बुक नहीं किया है तो अपने नजदीकी थिएटर में जाकर टिकट बुक करें और रेस 3 को जरूर देखें।